सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल इंट्राडे गाइड को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। स्वागत है आपका इंट्राडे गाइड पे और मैं हूं आपका दोस्त शिवाज वसीन। तो आज हम बात करेंगे कि 11th ऑफ अप्रैल में आपको क्या करके चलना है निफ्टी और बैंक निफ्टी पे, और कौन से स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर हम आज की मार्केट की बात करें तो आज हमारा मार्केट एक रेंज में ही रहा, ना ज्यादा ऊपर गया ना ज्यादा नीचे गया। और मैंने आपको कहा था कि 25,200 जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वहां पर जाके उसने अपनी क्लोजिंग दी, और 10,400 जैसा कि मैं आपको ऑप्शन चेन में बता रहा था कि पहले अपनी वीडियो में कि वहां तक जा सकता है, तो उसके ऊपर गया पर वहां से हमने नीचे एक सेल ऑफ आते हुए देख लिया। तो फिर वहां पर जाके इसने अपनी 10,400 के ऊपर ही जाके अपनी क्लोजिंग दी है। तो मार्केट 3-4 दिन से अगर हम बात करें तो बहुत ऊपर जा रहा है, और अच्छे खासे अगर चार्ट्स की बात करें तो वो एक लेवल से ऊपर जा चुका है, वो मैं आपको इस वीडियो के आखिरी में बताऊंगा चार्ट्स में। तो अब कौन से स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं कल की मार्केट के लिए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम अगर देख सकते हो, आपको मैं पहले इतनी बात बता दूं कि आप यूएस मार्केट को वॉच करके चलिए, क्योंकि यूएस मार्केट डाउ फ्यूचर्स अभी 350 पॉइंट ऊपर है, वो भी हमें एक सपोर्ट दे सकता है हमारी इंडियन मार्केट को, कल के मार्केट को, कि हम ऊपर जा सके। और दूसरी बात करें तो ब्रेंट ऑयल की अगर हम बात करें तो आपने देखा था कि पिछले 2-3 दिन पहले कि ब्रेंट ऑयल $65 पर बैरल के आसपास आ गया था। और अगर हम अभी देखें, बिल्कुल अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, तब ब्रेंट ऑयल $70 को छू चुका है और 2% ऊपर जा चुका है। तो ब्रेंट ऑयल इतनी तेजी से आज ऊपर बढ़ा है कि हम कह सकते हैं कि शायद जो कंपनीज हैं जो क्रूड ऑयल जब इंक्रीज होता है, जिन कंपनी को फायदा होता है, वो कंपनीज कल शायद ऊपर जा सकती है मार्केट में। तो मैं आपके लिए वो स्टॉक्स भी चुन के लाया हूँ और वो आपके लिए बताऊंगा अभी कौन से कंपनीज आपको अच्छा खासा प्रॉफिट कमा के दे सकती हैं अगर आप क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो वो भी आप देखिए। और हम देख पा रहे हैं कि जो 10-year bond डील्स हैं वो भी 2-3% के ऊपर बढ़ चुके हैं, वो शायद हमारे जो NBFC कंपनीज हैं कल उसमें दबाव आ सकता है, तो उसको भी वॉच करके चलिए। और 65 के ऊपर शायद क्लोजिंग ना दे दे ये यूएस मार्केट डॉलर, तो हमारी इंडियन मार्केट जो इंडियन रुपीज़ है वो 65 के ऊपर क्लोजिंग ना दे और 70 बैरल के ऊपर जाके क्रूड ऑयल क्लोज ना दे, तो ये हमारी अगर ऊपर जाके क्लोज ये दोनों देते हैं तो शायद हमारी मार्केट एक स्टेबल रह सकती है, ना ज़्यादा ऊपर बढ़ पाएगी, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स जो ऊपर इंडिकेट कर रहे हैं शायद उसकी वजह से हमारी मार्केट ऊपर चली जाए। पर जो ये फैक्टर्स इंडिकेट कर रहे हैं हमारी जो मैक्रो हमारी जो खुद की इकोनॉमी के जो फैक्टर्स इंडिकेट कर रहे हैं उसकी वजह से शायद हम देख पाए कि थोड़ा कंसोलिडेट रहा है, वरना थोड़ा सा नीचे जा सकता है और उसके बाद हम थोड़ी रिकवरी देखें, वरना रिकवरी के बाद हम थोड़ा नीचे जा सके। तो कल के मार्केट को वॉच करना होगा, 5 स्टॉक जो आपको आउट ऑफ प्रॉफिट कमा के दे सकते हैं उसको भी देखते हैं। भारती एयरटेल, अबान ऑफशोर, इंडिको, अमराजा राज बैटरीज और LNT लासन एंड ट्यूबो। तो भारती एयरटेल में आपको बाय करने की सलाह दी जाएगी, हम देख रहे थे 2-3 दिन से इसमें अच्छा खासा सेल ऑफ आ रहा था, पर आज इसने अच्छी खासी तेजी देखी है, तो शायद इसके लिए कोई न्यूज आ जाए तभी हमने इसमें अच्छी खासी तेजी बनते हुए देखी। चार्ट स्ट्रक्चर इसका अच्छा लग रहा है, वीक नहीं लग रहा है, हम कह सकते हैं कि कल के मार्केट में थोड़ा ये परफॉर्म कर सकता है। बाय करने की सलाह 388-392 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस आपको 381.50 का लगा के चलना होगा। अबान ऑफशोर, तो जैसा मैं आपको कह रहा था कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो ऑफशोर कंपनीज जो होती हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज होती हैं और जो ड्रिलिंग कंपनीज होती हैं, ये कंपनीज होती हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा फायदा होता है जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं। इसके अंदर मैं आपको कंपनीज बताऊं तो अबान ऑफशोर आ गए, ONGC आ गई, HOEC आ गई, और हम कह सकते हैं ऑयल इंडिया आ गई, ऑयल कंट्री आ गई, तो ये कुछ कंपनीज हैं, जिंदल सो आ गई, ये कुछ कंपनीज हैं जिन्हें क्रूड ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होने से फ़ायदा होता है। तो इन कंपनीज को आप वॉच करके चल सकते हैं और नोट कर सकते हैं जो भी मैंने आपको कंपनीज के नाम बताए हैं। अबान ऑफशोर जब भी प्राइस इंक्रीज होते हैं क्रूड ऑयल के, सबसे ज़्यादा तेज ये भागता है, तो इसको बाय करने की सलाह दी जाएगी 176-180 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस 169.20 का लगा के चलना होगा। इंडिको की बात करें तो इंडिको को आपको सेल करके चलना है, हमने देखा था कि इंडिको में आज अच्छा खासा सेल ऑफ आया था, सेल करने की सलाह दी जाएगी इसमें। और जब मैं आपके लिए न्यूज ये आपके लिए बना रहा हूँ तो इसमें एक खराब न्यूज भी आई है, एक नेगेटिव न्यूज भी आई है। इसमें न्यूज ये आई है कि जो एक पैसेंजर थे, वो पैसेंजर इसमें ट्रेवल कर रहे थे इंडिको एयरलाइंस के
प्लेन में ट्रेवल कर रहे थे, उन्होंने एक कंप्लेन करी कि कुछ समथिंग कंप्लेन थी, वो कंप्लेन मुझे एक्चुअली याद नहीं है, वो उन्होंने उनकी कंप्लेन सुनी और उल्टा उन्हें उन्हें प्लेन से निकाल दिया गया। तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है शायद इंडिगो एयरलाइंस के लिए। सेल करने की सलाह दी जाएगी 1468, 1459 के टारगेट के साथ। स्टॉप लॉस आपको 1491 का लगा के चलना है। चार्ट स्ट्रक्चर भी वीक है, नेगेटिव न्यूज भी आई है, अच्छा खासा सेल ऑफ हम देख सकते हैं इसमें। अमराज बैटरीज में अगर हम बात करें तो बाय करने की सलाह दी जाएगी, अच्छा पॉजिटिव चार्ट स्ट्रक्चर पैटर्न बना है इसमें। 816, 823 के टारगेट के साथ स्टॉप लॉस आपको 808 का लगा के चलना होगा। लासेन एंड ट्यूबो बाय करने की सलाह दी जाएगी आपको इसमें। 1357, 1366 के टारगेट के साथ स्टॉप लॉस आपको 1337 का लगा के चलना होगा। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी को आपको बाय करने की सलाह दी जाएगी। मैं आपको अभी चार्ट्स में दिखाता हूँ जिसमें मैंने आपको ट्रेंड लाइन बताई थी कि ये एक सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, उसके बीच में ही मार्केट रिएक्ट कर रहा था। तो जहाँ आज निफ्टी ने अपनी क्लोजिंग दिया वही एक रेजिस्टेंस का काम था, वहीं पर जाके उसने क्लोजिंग दी है, बिल्कुल लाइन के ऊपर उसने क्लोजिंग दिया। तो अब हम देख सकते हैं कि वहां से वापस सेल ऑफ देखने को मिलेगा या वापस हम और ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। और ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो कहाँ तक जा सकते हैं, फिबोनाची के रिट्रेसमेंट के थ्रू हम कहाँ तक जा सकते हैं, सब आपको चार्ट पे बताऊंगा। बाय करने की सलाह दी जाएगी, चार्ट स्ट्रक्चर इसका अच्छा है। 10,440, 10,510 तक ये जा सकता है, 10,600 तक भी ये जा सकता है, वहां से सेल ऑफ देखने को हमें वापस मिल सकता है। 10,340 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखिए। बैंक निफ्टी बाय करने की सलाह दी जाएगी आपको इसमें। 25,400, 25,050 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, 25,400 तक ये जा सकता है। और अब मैं आपको चार्ट्स में लेकर चलता हूँ इसमें। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर निफ्टी 50 का मैंने आपके लिए चार्ट ओपन करके रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं मैंने आपके लिए जो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन बनाई हुई है, ये एक मल्टीपल सपोर्ट का काम कर रही है। यहाँ से ही मार्केट गिरती थी तो शायद हम कह सकते हैं यहाँ तक इस रेंज तक पहुंच गई है। आप खुद आपको शो कर रहा होगा यहाँ पर, तो यहाँ से शायद हम एक सेल ऑफ और वापस देख सकते हैं और वो 10 हमारे स्टॉप लॉस के आसपास हमें लेकर जा सकती है। तो 10,055 है तो वहां तक शायद मार्केट वापस जा सकती है। और अगर इसके ऊपर बढ़ना शुरू करती है और क्लोजिंग मिल जाती है इसके ऊपर, तो हम कह सकते हैं कि ये क्लोजिंग हमें 38.2% यानी फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है वहां तक लेकर जा सकती है, और वो उसका लेवल 10,600 है। तो इसको वॉच करके चलिए कि इस ट्रेंड लाइन के नीचे आती है, इस सपोर्ट के रेजिस्टेंस के नीचे आती है और सपोर्ट को शायद वापस टच करने की कोशिश करती है या नहीं करती है, तो इसको वॉच करके चलिए। और अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी पर भी आप देख सकते हैं कि ये एक रेंज थी, इस रेंज के बाहर इसने जाके अपनी क्लोजिंग दी है। ये आप देख सकते हैं ये एक रेंज बन गई थी, जब से मार्केट ऊपर चलना शुरू हुई है हम इस रेंज के ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं, और इस रेंज के ऊपर ट्रेड करने से हमें फायदा भी हो रहा है। और हम देख सकते हैं कि 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी ट्रेड कर रही है। तो अब इसका जो सपोर्ट बनता है वो भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट के थ्रू 38.2 डिग्री का बनता है, तो इसको आपको वॉच करके चलना होगा और शायद ये यहाँ तक जा सकती है। तो इसका लेवल जो आपको शो कर रहा है वो 25,600 का कर रहा है, यहां तक मार्केट जा सकती है। कल इंट्राडे के लिए आपको देखना पड़ेगा। और अगर मैं आपको और बात बताऊं तो यूएस के जो सीपीआई के इन्फ्लेशन के जो रिजल्ट्स आने हैं वो सब आने हैं, तो वो अगर नेगेटिव आते हैं तो शायद जो मैंने आपको रेजिस्टेंस बताया था अपने ट्रेंड लाइन पे, तो शायद वहां से एक बाउंस बैक की संभावना कर सकते हैं और नीचे जा सकती है। मुझे लग रहा है कि शायद उस बाउंस बैक को वो प्ले करेगी और वो जो एक पैटर्न बना हुआ है उस पैटर्न को प्ले करके वो मार्केट नीचे आने की कोशिश जरूर करेगी। तो वॉच करके चलिए, कल कोई भी ऑप्शन स्ट्रैटेजी में ट्रेड ना लीजिए इसलिए मैंने आपको नहीं बताई है, तो आप इसे पहले फॉलो करके चलिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और इस वीडियो को शेयर करिए जिससे इंट्राडे में और शेयर मार्केट में लोग प्रॉफिट कमा सके और वो भी समझ सके कि शेयर मार्केट एक सट्टा मार्केट नहीं है। और कमेंट्स में मुझे बताइए अगर आपको कोई भी डाउट्स होते हैं, कोई भी आपको तकलीफ होती है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो भी मुझे कमेंट्स में करके बताइए। और इस वीडियो को लाइक बिल्कुल करिए, क्योंकि आपको लाइक करने में अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आप एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर सकते हैं, मैं आपसे प्रॉफिट का शेयर नहीं मांगता। और अगर आपको मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, जो भी आपको प्रॉफिट्स होते हैं वो आपके प्रॉफिट्स होंगे, जो भी आपको लॉसेज होंगे वो आपके लॉसेज होंगे। मैं सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पज से जो मुझे जितना आता है मैं उतना आपको सिखा रहा हूँ। अगर आपको इसमें ट्रेड लेना है तो आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर करनी होगी। और मैं आपको एक बात और बता दूँ, जो ये लोग मुझे कमेंट्स करके बताए जा रहे हैं, तो अगर आपको वीडियो नहीं देखनी है तो आप यहाँ वीडियो नहीं देख सकते, मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं जो कमेंट्स में उल्टा सीधा लिख रहे हैं, पर कमेंट्स में उल्टा सीधा ना लिखिए क्योंकि दूसरों पर गलत असर पड़ता है।
तो मैं शिवांश भसीन मिलता हूँ आपसे कल नई वीडियो के साथ, साइनिंग ऑफ।